मैं अर्पना बाड़ा, मैं झारखंड की राजधानी रांची से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है पतगाई, वहां पे मैं अभी उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। इस गांव की समस्या ये है कि आंगनबाड़ी सेंटर 2 सालों से नहीं खुल रहा है, जिसके कारण से यहां लगभग, यहां 2 वार्ड में 1 आंगनबाड़ी है। लगभग 50 से 60 बच्चे हैं, 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे लोग, जिन जो दो साल से वे आंगनबाड़ी की जितनी भी सुविधाएं हैं उसे वंचित हैं, और ना उनको राशन दिया जा रहा है, ना धात्री माताओं का नियम से समय से टीकाकरण हो पा रहा है, ना ही यहाँ के किशोरी लड़कियों को आयरन गोली दी जा रही है, और जो गर्भवती माताएं हैं उनका टीकाकरण हो पा रहा है। इसको लेके ग्रामीणों ने बहुत बार कांके सी डीपीओ को आवेदन भी दिया था, जैसे ये लोग बता रही हैं, और आवेदन भी दिखा रही हैं, और 2-3 बार ग्राम सभा करके यहाँ बैठक भी हुई, लेकिन चयन नहीं किया गया, और आज तक आंगनबाड़ी नहीं खुला है, जिसके कारण से बच्चों से संबंधित कोई भी यहाँ पे सरकारी योजनाएं चल नहीं रही हैं। और इन लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी खुले और इनके बच्चों को पोषाहार और धात्री माताओं को टीकाकरण, किशोरियों को आयरन कैप्सूल, तरह तरह की जितने योजनाएं हैं वो चले। हम लोग का समस्या ये है कि यहाँ आंगनबाड़ी 2 साल से नहीं खुल रहा है, जिसके कारण बच्चे लोग नहीं जा पा रहे हैं। क्या आपका भी बच्चा है? हाँ है, 2.5 साल का बच्चा है। अच्छा, घर ही में रहता है, जिसके कारण बच्चों के कारण हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर और CDPO के लापरवाही के वजह से यहाँ पे राशन नहीं मिल पा रही थी, और यहाँ जो बाकी बच्चे थे जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ था उन लोग का नहीं मिला, और जिनका ऑनलाइन था उन लोग को मिला है अभी। यहाँ का बच्चा लोग का जो राशन मिलता था, मिलना था सरकार की ओर से, टीकाकरण होना था गर्भवती महिला लोग का, किशोरी लोग को आयरन मिलना था, बच्चा लोग को पोषण आहार मिलता था, वो सब अभी बंद है, सब कुछ बंद है। हाँ, आंगनबाड़ी बंद है। तो समस्या हम लोग का यहाँ है कि आंगनबाड़ी बंद रहता है, खुलता नहीं है, बच्चा सब इधर उधर दौड़ता रहता है धूप में। आपका बच्चा कितना साल का है? है 2.5 साल का है। तो आपको राशन क्या मिल गया? नहीं मिला है राशन, 2 साल से भी नहीं मिल रहा। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चा लोग को राशन मिले, आंगनबाड़ी खुले, और यहाँ से नई सेविका का भी चयन हो जल्द से जल्द, यही हम सरकार से चाहते हैं। पोषण आहार सब, टीकाकरण सब हो? यहाँ तो अभी नहीं हो पा रहा है। और पोषण आहार? वो भी नहीं मिल पा रहा है अभी। कितने सालों से? लगभग 2 साल हो गया। आप लोग कहीं आवेदन दिए हैं? हाँ, 2 बार दे दिए हैं। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तो यहाँ कुछ नहीं हुई है, आते हैं और कैंसिल हो जाता है। वो यानी बैठक उठक हुआ है? हाँ। आंगनबाड़ी पत्तागाई जो है बाड़ू पंचायत का, वहाँ की पूर्व की सेविका की मृत्यु 1 साल पहले हो गई, उनके जगह में वो पद अभी रिक्त है, जिसके लिए हम लोग ने चयन करके, नया चयन करने के लिए उस जगह पे गया भी थे, ताकि नया सेविका का चयन हो जाए उस पद पे, लेकिन सरकारी नियम के तहत वहाँ पे चयन नहीं हो सका, क्योंकि सरकारी नियम के विपरीत हम चयन नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम लोगों ने अग्रेतर जिला समाज कल्याण कार्यालय को दे दी कि गांव में आम सभा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब जैसा वहाँ से जिस दिशा निर्देश आता है उसमें हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। ये वहाँ की आंगनबाड़ी चूँकि सेविका नहीं है, तो हम लोगों ने बगल की जो सेविका है बाड़ू पंचायत की ही, चामा की जो सेविका है, चामा आंगनबाड़ी केंद्र की, उनको प्रभार में दिया हुआ है, और अभी कार्यालय में जांच करने के बाद देखा गया कि उनको राशन दिया जा रहा है, RTE भी दिया जा रहा है। कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार तो उनको राशन दिया जा रहा है, और जब मैं गाँव में भी गई हैं तो इस बारे में गाँव वालों ने भी शिकायत नहीं करी थी। तो अगर ये जानकारी अभी सामने आई है तो मैं इस पर एक बार जांच कर लूँगी, मैं खुद जा कर के एक बार देख लूँगी, गांव वालों से पूछ लूँगी समस्या क्या है, और सामान अगर भेजा जा रहा है तो सामान बच्चों तक, लाभुकों तक क्यों नहीं पहुँच रहा है, तो ये मैं जांच करके अग्रेतर अगर जो भी दोषी होगा
मैं अग्रेतर कार्रवाई करूंगी। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।